टुडे यू आर वेलकम ऑन माय चैनल। टुडे वी आर आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नरेशन। नरेशन को दूसरे तरीके से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोल सकते हैं। कहने वाले चाहे नरेशन बोलो चाहे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बोल दो। नरेशन मतलब वर्णन, किसी चीज़ का वर्णन करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं और इनडायरेक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक, तो उस दिन पार्ट वन में बताए थे सेंटेंस के प्रकार। ठीक, नरेशन सीखने के लिए सबसे पहले सेंटेंस के प्रकार जानना होगा। उसके बारे में बताए थे सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, इसी प्रकार बताया गया था। तो किसी भी सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच कैसे होता है। डायरेक्ट मतलब जिसके दो पार्ट होते हैं, जिसमें कामा एंड कामा लगा होगा। तो डायरेक्ट स्पीच में एक कामा इनवर्टेड कामा के बाहर वाला पार्ट एक ये होता है और एक कामा इनवर्टेड कामा के भीतर वाला पार्ट। जो कामा इनवर्टेड कामा के बाहर होता वाला पार्ट होता है इसको रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। इसको हम रिपोर्ट में आईएनजी जोड़ करके इसका नाम रखा गया है। और जो इन्वर्टेड कामा के भीतर वाला पार्ट होता है इसको रिपोर्टेड पार्ट बोला जाता है, रिपोर्टेड पार्ट। ठीक, तो डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट होता है, एक रिपोर्टिंग पार्ट या रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब भी इसको कह सकते हैं, और अंदर वाले को रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जाना जाता है। इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहले हम लोगों को जो है इनवर्टेड कामा के भीतर जाकर के सेंटेंस पहचानने का कार्य करना होगा। ठीक, कि इनवर्टेड कामा के भीतर किस प्रकार का सेंटेंस है। तो अगर सेंटेंस अफर्मेटिव या निगेटिव है, जैसे श्याम इज अ गुड बॉय, ये अफर्मेटिव लग रहा है। अगर अफर्मेटिव है या निगेटिव है तो समझ जाएंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। किस प्रकार का सेंटेंस है, असर्टिव है। तो असर्टिव को इनडायरेक्ट में बदलने का रूल होता है कि इसमें इनडायरेक्ट चेंज करते समय इसमें कंजंक्शन दैट लग जाएगा, जो कामा इनवर्टेड कामा हटेगा और दोनों पार्ट को जोड़ते समय कंजंक्शन के रूप में दैट का यूज किया जाता है। बल्कि इसको नोट में लिखा जा सकता है कि कंजक्शन दैट इज यूज्ड कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है असर्टिव सेंटेंस में। ठीक, और इसको चेंज इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहले हम लोग सेंटेंस पहचान करके तुरंत बाहर आएंगे। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो कभी नहीं चेंज होता है। तो मोहन का मोहन ही लिख दिया जाएगा और सेज का सेज ही लिखा जाएगा, और कामा इनवर्टेड कामा हटेगा, कंजक्शन के रूप में दैट का यूज हो जाएगा, और अंदर श्याम का श्याम ही लिखा जाएगा और टेंस भी नहीं बदलेगा, क्योंकि एसआईटी का जो सबसे पहला रूल है, फर्स्ट रूल बनता है, जो ये बनता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होगा तब रिपोर्टेड पार्ट में टेंस परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड पार्ट जिस भी टेंस में है उसी टेंस में उसको लिख लिया जाएगा। जैसे देख रहे कि इस रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट टेंस में है, इसमें इज आया हुआ है तो इज का इज उतार दिया जाएगा, ए का ए रहेगा, गुड का गुड रहेगा, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। इस प्रकार से एक पहला फर्स्ट रूल है असर्टिव सेंटेंस का। फिर से सुन लीजिए, इसमें है कि रिपोर्टिंग वर्ब मतलब इसी वर्ब को देखेंगे। अगर एक प्रेजेंट कहा गया रूल है, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस देयर विल बी नो चेंज इन टेंस इन रिपोर्टेड पार्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट में टेंस नहीं बदलता है। और असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय कंजक्शन के रूप में दैट का यूज किया जाता है। हर प्रकार के सेंटेंस को
डायट से डायट में बदलते समय अलग अलग कंजक्शन निश्चित है, उसी प्रकार से इस बात को ध्यान देना होगा कि एसआईटी को इंडाइट में चेंज करना है तो कंजक्शन के रूप में, कनेक्टर के रूप में डायट का ही यूज किया जाएगा। अंडरस्टूड। इसी के बाद जो एसर्टिव सेंटेंस का नेक्स्ट रूल बनता है वो इस प्रकार से है, जैसे कहा जाए कि सी सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, मोहन हैज कम, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। चेंज करते समय सबसे पहले हम लोग इन्वर्टेड कामा के भीतर जाकर के सेंटेंस पहचानते हैं। सेंटेंस देख रहे हैं कि अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का मतलब होता है एसआईटी। सेंटेंस पहचानने के तुरंत बाद हम लोग कामा इन्वर्टेड कामा से बाहर निकल आते हैं, अर्थात रिपोर्टिंग पार्ट में आ जाते हैं। और रिपोर्टिंग पार्ट में हमेशा याद रखना है, न कभी सब्जेक्ट बदलता है और न कभी ऑब्जेक्ट बदलता है, सिर्फ बदलता है तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है। और यही कारण है कि इस पार्ट का एक और नाम पड़ गया है रिपोर्टिंग वर्ब, अर्थात इस पार्ट को हम लोग रिपोर्टिंग पार्ट मतलब रिपोर्टिंग वर्ब के भी नाम से पुकारते हैं, क्योंकि वर्ब ही इसमें बदलता है। और कैसे बदलता है कि रूल होता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया होगा तो रूल होता है, इस सेकंड रूल है, तो से टू को ऐसे लिख सकते हो, से टू को टेल में बदल देते हैं, और सेज टू है तो टेल से में बदल देते हैं, और सेड टू है तो इसको टोल्ड में बदल देते हैं। हमेशा याद रखना है कि से जाएगा साथ में टू को भी लेकर के जाएगा, से और टू की अपनी सच्ची मित्रता होती है, ये दोनों साथ ही रहते हैं। ठीक वैसे भी से के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो से के बाद टू प्रीपोजिशन निश्चित रूप से मिलता है। ठीक तो से जाएगा, नहीं कभी कभी होता है कि सेज को हर टेंस में बदल देते हैं और टू भी उतार लेते हैं, तो सेज को बदलने के साथ साथ टू भी जाएगा। पूरे नरेशन में सिर्फ दो ही जगह ऐसा है जहां पर से जाता है तो टू को छोड़ जाता है। वो आगे बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में लेटस वाले वाक्य में सजेस्टेड और प्रपोज के साथ ऐसा होता है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड के साथ में ऐसा होता है। ठीक तो इसको चेंज इस तरह से करेंगे कि सी का सी लिख लेंगे, सेज टू को टेंस में बदल देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट जो करते उतार लेंगे, कंजक्शन कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। ठीक और अंदर नाम कभी बदलता, थर्ड पर्सन नहीं बदलता, इसलिए मोहन का मोहन उतार लेंगे। और यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड पार्ट में टेंस भी नहीं बदलना है, रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट में उतार देना है, तो हो जाएगा शी टेल्स मी दैट मोहन हैज कम। ठीक नेक्स्ट रूल ऐसा आ रहा होगा कि मान लीजिए रिपोर्टेड पार्ट पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट में है, तो देख लेंगे कि प्रेजेंट के किस पार्ट में है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस के भी चार पार्ट होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बगल में बदल जाएगा, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। हमेशा याद रखना कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट में है, तब इनडायरेक्ट में बदलते समय
रिपोर्टेड पार्ट को भी पास्ट में बदल दिया जाता है। ठीक, जैसे वी कैन सी वन एग्जांपल, जैसे है गोपाल सेड कामा इन्वर्टेड कामा, ठीक, मोहन इज डांसिंग, इसको निगेटिव बना लेते, इज नॉट डांसिंग, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड। सपोज वी हैव टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल इंटर रिपोर्टेड पार्ट इज एसर्टिव बिकॉज दिस सेंटेंस इज लुकिंग इन निगेटिव। देखिए एसर्टिव इनवर्टेड कॉमा के भीतर सेंटेंस एसर्टिव है, क्यों? क्योंकि इसमें नॉट आया है। एसर्टिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वाक्य कर्ता से शुरू हुआ होता है, और हम लोग देखते हैं को, मतलब अगर अफर्मेटिव है कर्ता शुरू मिलेगा, निगेटिव है तो कर्ता शुरू मिलेगा। तो एसर्टिव सेंटेंस है, तो एसर्टिव का रूल होता है तुरंत हम लोग सेंटेंस पहचानने के तुरंत ही बाद बाहर आ जाते हैं रिपोर्टिंग पार्ट। ठीक, तो सब्जेक्ट लिख लेंगे गोपाल, और सेड के बाद में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं आया है, यही कारण है सेड का, सेड ही लिख लेंगे। सेड को टोल्ड में यहां पर नहीं बदलेंगे, टोल्ड में तब बदलता जब सेड के बाद ऑब्जेक्ट आया होता, तुरंत कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, रिमूव करेंगे। और एसर्टिव में बता चुका हूं कि कंजक्शन के रूप में दैट लगता है, तुरंत दैट लग जाएगा। ठीक, इसी के तुरंत बाद सब्जेक्ट रिपोर्टिंग रिपोर्टेड पार्ट का मोहन कर जाएगा, अंदर टेंस बदलेगा, क्यों? क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब देखा जा रहा है पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस मतलब एक वर्ब का सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म रहता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, अर्थात रिपोर्टेड पार्ट पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इज आया है, आईएनजी वाली क्रिया आई है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब सबको पता है वाज या वर्ब होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसीलिए वाज आएगा, और प्लूरल होता तो वर्ब लगता, नॉट ही रहेगा, और कंटिन्यूअस भी है इसलिए आईएनजी वाली क्रिया इसमें भी उतर जाएगी, क्योंकि जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं सभी कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होता है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनेगा, गोपाल सेड दैट मोहन वाज नॉट डांसिंग, एक समझ लीजिए आपका रूल थर्ड है। ठीक, रूल थर्ड यही है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, रिपोर्टेड पार्ट प्रेजेंट टेंस में होगा, तब इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टेड पार्ट को देखेंगे कि प्रेजेंट के किस पार्ट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था, ये पास्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया गया है। ठीक, दिस इज आवर थर्ड रूल। अभी रूल थर्ड के बाद हम लोगों को प्रोनाउन चेंजिंग जानना जरूरी है, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जांपल देखे सब में प्रोनाउन चेंजिंग से बचते आए। ठीक, और प्रोनाउन चेंजिंग ही सबसे कठिन होता है, और इसको समझ लें तब उसके आगे, ताकि प्रोनाउन भी मिलता रहे कोई दिक्कत ना आए। तो प्रोनाउन चेंज करने में मतलब हम लोगों को इन्वर्टेड कॉमा के भीतर जाएंगे तो अंदर प्रोनाउन दिखेगा, तो पूरे नरेशन में इस चीज़ को ध्यान देना है। पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिर्फ तीन चीज़ें बदलती हैं, एक तो टेंस का बदलना,
दूसरा प्रोनाउन का बदलना, तीसरा नियरनेस एक्सप्रेसिंग वर्ड्स को चेंज किया जाता अर्थात नजदीकता प्रकट करने वाले शब्दों को बदलना, यही तीन चीज बदलना आ जाता है। तो जान लो कि हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना आ गया। ठीक, तो इसी के बाद टेंस का चेंज करना तो सीख ही रहे, इसी के साथ साथ प्रोनाउन भी बदलना जरूरी है क्योंकि इनवर्टेड कॉमा के भीतर हम लोगों को प्रोनाउन भी मिल जाते हैं। तो प्रोनाउन को जब तक बदलेंगे नहीं तब तक आगे हम बढ़ेंगे नहीं, प्रोनाउन को चेंज करना जरूरी है और भी पर्सनल प्रोनाउन से मुलाकात होगी। पर्सनल मतलब जो पर्सन से बना है, और सबको पता है कि पर्सन मीन्स होता है पुरुष और ए होता है तीन, ठीक ना। हिंदी और संस्कृत में इसी को कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इन इंग्लिश फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इंग्लिश में इसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड जानते हैं। और ये भी समझना होगा कि फर्स्ट पर्सन में आई या वी को रखा गया है, सेकंड में यू को रखा गया है, और थर्ड में ही सी इट या दे या इसको जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नाउन है। और इनवर्टेड कॉमा के भीतर लिखते समय इसमें फार्मूला यूज होगा चेंज करने का, वो है सन। इसमें एक फार्मूला यूज होता है जिसको कहते हैं सन बाई 1, 2, 3। अगर इनवर्टेड कॉमा के भीतर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मिल गया तो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यस फॉर सब्जेक्ट। और अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन मिल गया तो चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मिल गया तो नो चेंज, यही इसका रूल होता है। और इस प्रोनाउन के 4 फॉर्म्स होते हैं, 4 केसेस होते हैं। जैसे आई का नाम नेटिव केस, नाम नेटिव मीन सब्जेक्ट आई होता है, ऑब्जेक्टिव मी होता है, पोसेसिव मी माई या माई होता है, रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ होता है, रिफ्लेक्सिव जिसमें सेल्फ लगा होता है या सेल्फ लगा होता है। देख रहे दो में सेल्फ लगा है और दो में सेल्फ लगा और सब में सेल्फ लगा है, और दो में सेल्फ लगने के पीछे कारण है कि एक भी और दे ये दोनों शुद्ध प्लूरल प्लूरल होते हैं, शुद्ध बहुवचन होते हैं, इसलिए इनमें सेल्फ लगा हुआ है और सब में सेल्फ लगा है। ठीक, अब एक प्रोनाउन वाला एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे है ही सेड टू मी कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई एम नॉट हेल्पिंग योर फ्रेंड, I am not helping your friend. Suppose this sentence is to be changed into indirect speech. First of all, we have to recognize kinds of sentence by entering reported part. We are seeing that reported part is negative. So, we can say this is assertive. Just after recognizing the kinds of sentence, we shall come out to reporting part. In reporting part, neither subject nor object is changed. Only reporting verb is changed. Reporting verb is said to. Here, सब्जेक्ट इज ही, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाएगा। एज आई हैव टोल्ड यू ऑल ऑलरेडी मी कंजंक्शन दैट यूज होगा। अब हमको समझना आगे ही है कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा। जैसे कॉमा और कॉमा के अंदर हम लोग जाते हैं वैसे देखते हैं कि आई मिल गया, आई प्रोनाउन है, ठीक, और वो भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो बता चुका हूं कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अगर अंदर मिलता है तब इसको बदलना पड़ता है। तो यहां पर आई को चेंज करना होगा। अब आई को चेंज करने कैसे करना होगा,
देखिए ये फार्मूला है, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तुरंत हम लोग यहीं से सब्जेक्ट के पास चलेंगे। ठीक, सब्जेक्ट में है क्या, देख रहे हैं सब्जेक्ट के स्थान पर ही है, ही को यहां से लाएंगे इसकी जगह पर बैठाएंगे और आई के जगह पर। ठीक, और ये आई यहां पर सब्जेक्ट है इसीलिए ही आएगा, तो ये भी सब्जेक्ट के ही रूप में आएगा और ही का सब्जेक्ट बैकग्राउंड ही होता है, तो यहां पर आई जो है ही में बदल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, टेंस से मुलाकात होती है, एम, तो एम का पास होता है वाज या वर, वाज हो जाएगा, इसके बाद नॉट आएगा, हेल्पिंग का हेल्पिंग ही रहेगा, और योर देख रहे हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है क्योंकि देखा जा रहा है यू 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 योर 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 सेल्फ, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहीं से हम लोग ऑब्जेक्ट के पास आएंगे क्योंकि योर को चेंज करना है ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट मी है, मी को ले करके चलेंगे योर के जगह पर बैठाएंगे, लेकिन मी मीए नहीं बन करके आएगा क्योंकि मी चलने से पहले क्वेश्चन करेगा जिस प्रोनाउन के जगह पर चल रहा हूं उस प्रोनाउन कौन सा केस में है, तो यहां कॉलम से देखेंगे कि यो जो योर है पोसेसिव केस में है, तो ए मी कहेगा मैं भी पोसेसिव केस में ही चलता हूं, तो मी का पोसेसिव केस होता है माई, इसीलिए योर के जगह पर आ जाएगा इन प्लेस ऑफ योर माई फ्रेंड, अंत में फुल स्टॉप लग जाएगा। इस प्रकार से सब्जेक्ट ही सेट टू को टोल्ड में ऑब्जेक्ट मी कंजंक्शन दैट आई को चेंज करें ही के अनुसार ही हो गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है पास्ट में है तो भी पास्ट कंटीन्यूअस हो गया, वाज नॉट हेल्पिंग और योर का माई हो गया, फ्रेंड का फ्रेंड हो गया। ठीक, आफ्टर दिस वी शैल डिस्कस ऑन द सेम टॉपिक टुमारो। If you have not subscribed my channel, please subscribe.